हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आपने अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विदेश यात्राओं के बारे में सुना होगा। अक्सर उनकी विदेश यात्रा चर्चा में रहती है, पर क्या आप जानते हैं उनके एक यात्रा पर कुल कितना एवरेज कॉस्ट आता है, उन्होंने अब तक कुल कितनी विदेश यात्राएं की हैं, और दोस्तों क्या आपको पता है वे भारत के कैसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने विदेश यात्राओं का ही नया कीर्तिमान या रिकॉर्ड बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, आज इन्हीं विषय बिंदुओं पर बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो वैदेशिक यात्री और विदेश यात्रा भारत के संदर्भ में ही नहीं, कहा जाता है ऐतिहासिक तौर पर मेगास्थनीज पहला दार्शनिक था जो यूनान से भारत आया सेल्यूकस निकेटर के दूत के रूप में, और उसने यहाँ इंडिका की रचना की, और कहा जाता है कि उसी की पुस्तक इंडिका से ही भारत का नया नाम इंडिया इन्फ्लुएंस्ड है। दोस्तों, इसी क्रम में सम्राट बिंदुसार का भी नाम आता है जिसने पत्र व्यवहार के माध्यम से मिस्र के राजा से सूखी अजीर, मीठी मदिरा और एक दार्शनिक की मांग की थी, पर मिस्र के राजा ने सिर्फ दो चीजें भिजवाई, मीठी मदिरा और सूखी अंजीर, पर उसने दार्शनिक नहीं भिजवाया। दोस्तों, इसी क्रम में हमारा तीसरा किस्सा भी हमारे विषय बंधु से काफी प्रासंगिक है। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि जब अवंती नरेश चंड प्रद्योत की तबीयत खराब हुई तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसके इलाज के लिए भेजा। जैसे ही प्रद्योत ठीक हुआ, चिकित्सा से सही हुआ, तो प्रद्योत और बिंबिसार के सीमाओं का निर्धारण भी इस एक चिकित्सा ने करा दिया। तो दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो इन तीन प्रसंगों से यह साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं साफ साफ विदेश यात्राओं का महत्व इस आधार पर ज़्यादा है कि ये हमारे दर्शन, शिक्षा, चिकित्सा, टेक्नोलॉजी, व्यापार, सीमा विवाद के निर्धारण में काफ़ी योगदान देते हैं। तो दोस्तों, आइए चलिए हम देखते हैं मोदी जी के प्रमुख विदेश यात्राओं को और उनके उपलब्धियों को। दोस्तों, आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने विदेश यात्राओं का ही रिकॉर्ड बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपने पहले टर्म में, जिसे मोदी गवर्नमेंट 1.00 कहा जाता है, उसमें 92 विदेश यात्राएं की। उनकी प्रथम विदेश यात्रा भूटान की थी और 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 28 देशों की यात्राएं की। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद उनका एक कार्टून वायरल हुआ जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ग्लोब को देख रहे थे दूरबीन से कि कौन से ऐसे देश बचे हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी नहीं गए हैं। 2015 में उन्होंने अपनी यात्रा फ्रांस, जर्मनी, कनाडा में पूरी की। ये वही ट्रिप था जिसमें उनका सर्वाधिक महंगा विदेश यात्रा हुआ, 31,25,78,000, और इसी ट्रिप के दौरान राफेल डील साइन हुई थी जो आगे चल के विवादों में आई। जी हाँ दोस्तों, अब मैंने यह डाटा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के वेबसाइट से ली है, अगर आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, ये बता दें कि इस खर्च के अलावा ट्रेवलिंग का कई एक्सपेंडिचर होस्ट कंट्री पे भी होता है। 2017 में इजराइल जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे जो भारत से थे। इससे पहले कोई भारतीय प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में इजराइल और फिलिस्तीन भी नहीं गया था, तो 2018 में उन्होंने फिलिस्तीन का दौरा किया। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के विदेश यात्राओं का सबसे बड़ा फेलियर उनका पाकिस्तान ट्रिप माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब वे अचानक काबुल से लौटते वक्त अचानक पाकिस्तान उतर गए और अपने मित्र नवाज शरीफ से, जिन्हें उन्होंने एक संबोधन में माई फ्रेंड नवाज कह के संबोधित किया, वह सबसे बड़ा फेलियर हुआ। वे जैसे ही पाकिस्तान से भारत लौटे, कुछ ही महीनों बाद उरी और पुलवामा जैसे अटैक हुए और उनकी मित्रता के सारे प्रयास पर पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान ने पानी फेर दिया। और सबसे बुरी उनकी आलोचना इसलिए हुई क्योंकि नरेंद्र मोदी की छवि हमेशा से एक एग्रेसिव लीडर की रही जो पाकिस्तान के प्रति काफ़ी एग्रेसिव रहता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी के पूरे रिकॉर्ड और पूरे एक्सपेंडिचर को अगर हम पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों से मिलान करें तो हम पाएंगे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, जो उस वक्त NAM नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट गुट निरपेक्ष के नेता थे, उन्होंने मात्र 64 देशों की यात्रा की थी। इसी क्रम में उनकी बेटी इंदिरा गांधी का भी नाम आता है जो 3 टर्म भारत की प्रधानमंत्री रहीं और 114 विदेश यात्राएं की। पर प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 में उनके 114 विदेश यात्राओं का रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया। इसके बाद नाम आता है डॉक्टर या पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का, जिन्हें हम कविराज, युग पुरुष के भी नाम से जानते हैं। उन्होंने मात्र 48 यात्राएं अपने टर्म में की। और उसके बाद नाम आता है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, जो वाजपेयी जी के बाद और नरेंद्र मोदी से पहले 10 साल के लिए 2 टर्म के लिए PM बने।
इनके दो टर्म में इन्होंने लगभग 93 विदेश यात्राएं पूरी की थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मात्र एक टर्म में 92 यात्राएं पूरी की, और डॉक्टर साहब के जहां 93 यात्राओं पे 1361 करोड़ रुपए खर्च हुए, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 92 यात्राओं पे 2021 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। तत्कालीन राज्यसभा में मंत्री वीके सिंह ने एक सवाल का जवाब देते हुए राज्यसभा में कहा था कि इन यात्राओं से भारत ने लगभग 480 एमओयू, एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कई देशों और उनके संस्थानों के साथ किया है। इससे हमारे देश के आर्थिक क्षेत्र को फायदा पहुंचेगा, प्रौद्योगिकी को लाभ पहुंचेगा। और उन्होंने बताया कि भारत 195 बिलियन डॉलर के निवेश को आकर्षित करने में सफल हुआ है। दोस्तों, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश नीति और विदेश यात्राओं की बात होगी तो हम कभी भी इस खर्च को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जहां उन्होंने इजराइल, अमेरिका और रशिया को अपने मजबूत संबंधों के आधार पर साधे रखा, वहीं चाइना और पाकिस्तान को लेकर उनकी लचर नीति हमेशा आलोचना के दायरे में रहेगी। दोस्तों, हो सकता है आपका इस वीडियो पे, इस इन्फॉर्मेशन पे अलग नज़र और नज़रिया हो। दोस्तों, ये सारी जानकारी हमने विकिपीडिया, एमईओ की वेबसाइट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर .gov.in से, टेलीग्राफ, द टेलीग्राफ से, द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड, इंडिया टुडे से ली है। अगर आपको इस जानकारी पे कहीं पे भी शक होता है तो हमारे चैनल बॉक्स में कमेंट करें। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक यू।